दिखाना जरा। अरे भाई भाई ये गाड़ी लेके बाहर घूमने जा रहे हो? हाँ, मम्मी को ड्राइव पे लेके जा रहे हो। यू वांट टू सिट, जगह गए। हेलो गाइस, व्हाट्स अप? तो वी आर बैक फ्रॉम गोवा। एंड भाई साहब, क्या मतलब एकदम बॉयज ट्रिप हुई, फन। मैं जैसी वापसी आया, मम्मी कहती क्या चल रहा था नाच नचाना। मैं कहा मम्मी पार्टी यार। और अब मैं जा रहा हूँ, मैं तो नहीं जा रहा, निश्चय कहीं जा रहा है। निश्चय क्या रेडी हो गया, ओहो दिखाते एक बार स्मार्ट हीरो। ओ माय गॉड, तुम मेरे साथी, तुम मेरे। और मैं जब आया तो मेरे को लगा पहले कि अब नए घर में आ गए होंगे, बट नहीं यार, ये अभी भी उसी घर में। पता नहीं शिफ्ट ही नहीं होना चाह रहे मैं नए घर, तो अब चलो पता नहीं यही बताएंगे कब शिफ्ट होना है। तो मैंने कहा उससे पहले मम्मी को नई गाड़ी की एक राइड दे दूं। आर यू रेडी? यस। आपको पता है मैं कौन सी गाड़ी में हूं कल? बताओ। हम देख आए थे नीचे जाके। क्या बात कर रहे हो? यस। तो फिर आपका मन नहीं कर रहा उसमें बैठने का? पापा कह रहे मैं नहीं हाथ लगाता, मेरे बस का नहीं है। ये गाड़ी आई है और रखा पोर्शे ते बेंटले दी जोड़ी। दोनों कहाँ जा रहा है? घूमने फिरने। तो कौन सी पोर्श लेके जानी है? भाई नहीं भाई। क्यों भाई? भाई फिर भाई पोर्श नहीं भाई, नहीं नहीं पोर्श नहीं चलानी भाई। क्यों भाई? भाई किसी और की ठुक जाएगी। भाई को गाड़ी ठुकने की टेंशन पड़ गया है। मी यहाँ पर जो गाड़ी ठोक के लाया हुआ है अपनी, वो फिर भी पोर्श चला रहे कि क्या हो गया भाई, जिंदगी तो एक है, चलाओ गाड़ी, मस्ती करो। तो फिर मम्मी पोर्श देख के कैसा लगा? अच्छा लगा, दिल करा बैठने का, लेकिन बिठाता कौन? मैं हूँ ना, चलो आओ। मुझे पता है नोनू डरेगा पोर्श लाने से, पापा से पापा तो चलने तो नहीं। हाँ, वो पहले तो आओ, ही हाथ। हम चले न्यू घर से पहले न्यू कार की तैयारी में। वैसे मैं जेन्युइन तो ये गाड़ी क्यों आई है मम्मी? उसने बोला कि ले लो। अच्छा, तो मैंने कहा चलो थोड़े दिन टेस्ट करके देखता है, अगर अच्छी लगी तो ले लेंगे। फिर क्या बात है, नए घर जाने के लिए हम तेरी वेट कर रहे हैं कि तू आए तो फिर चले। आओ पहले न्यू कार की राइड करके आ जाओ। सुबह ना वो गाड़ी साफ करने वाला कहता आप सफारी ले आए। मैंने कहा तेरे को सफारी लग रही है वो। तो गाइस ये देखो हमारी न्यू सफारी। ओ हो भाई कसम से, जो यहाँ पर मतलब भैया गाड़ी लगाते हैं ना, वो भैया कहते हैं ये सफारी है। यार पोर्श है, मम्मी आज तक पोर्श में नहीं बैठे रहे। टू सीटर में बैठे हो कभी? नहीं। तो आओ, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लो यार। अब आप जाओ गाड़ी में, पहले आप बैठो। मैं चाहता हूँ मम्मी एंजॉयमेंट करे लाइफ में। क्या हुआ? ये तो बहुत नीचे है। तो यही तो भाई, सही बता रहा हूँ, तभी तो हम लेते नहीं है, क्योंकि हम यार 6'3" के, मैं और पापा और निश्चय, और ये गाड़ी बहुत ज्यादा नीचे है। बट इट इज अ लवली कार मैन, इट इज अ लवली कार। ये देखो, ओ हो, गाड़ी के अंदर पोर्श। तो हमारी जो जैगवार है उसमें तो साइड पे बटन है, वो सीट ऊंची हो जाती इसमें है। इसमें भाई सीट ऊपर हाँ, और नीचे कहीं नहीं हो सकती। हाँ, मम्मी कह रही है इतनी सी गाड़ी है। मैं कहा भाई इतनी सी है, सिर्फ ये दो सीट्स है और पीछे शीशा। चलो बस खत्म। चलो ऊपर है। अच्छा ऊपर भी खुलता है। लो जी एंजॉय करो आप। ओह मम्मी को तो मजा आ गया। ओपन गाड़ी में जाएंगे हम और लोग हमें देखेंगे, तो पूरी दुनिया देखेगी। सच में पूरी दुनिया देखेगी कि ये कौन सी गाड़ी है और कौन बंदा जा रहा है। चलो आज तक चलो। तो विराट कोहली को देखा था चलाते हुए। आज फुकरा इंसान को देखो, दिखाना जरा। अरे भाई भाई ये गाड़ी लेके बाहर घूमने जा रहे हो? हाँ, मम्मी को ड्राइव पे लेके जा रही। यू वांट टू सिट, जगह गए। नहीं मैं उठ जाऊंगी, आ जा तेज मत कर, डर लग रहा है। इतने में डर गए? हाँ। अभी तो ये देखो। Hey, wrong? No, 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 मैं नहीं बैठ सकती ऐसे। भाई दिल्ली के ट्रैफिक में हम पोर्श लेके जा रहे हैं, दिल्ली की सड़कों पे। आगे देखो कितना ट्रैफिक है। और हमारे सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं और बाहर से कह रहे हैं हेलो। मैं कहा हेलो जी कैसे हो। मैं कहा मम्मी को एक बार तसल्ली दे दो कि हाँ मजा आ गया भाई पोर्श में बैठ के। तो अभी स्पीड टेस्ट भी करवाता हूँ। नहीं स्पीड टेस्ट नहीं करनी है। ये देखो लोग इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, सारे हेलो कर रहे हैं। ओपन गाड़ी में देख रहे हैं लोग कि कौन जा रहा है भाई। इतनी तेज चला रहा है ना, ऐसे लग रहा है हवा में उड़ रहे हैं भाई। मेरे को डर लगता है बाबू, ये सिर्फ बॉयज बॉयज के लिए है जिनको डर नहीं लगता। मम्मी अभी तो मैं बहुत ही प्यारी स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ यार।
मैं तो बस आपको एग्जॉस्ट की आवाज का मजा दिला रहा हूँ कि देखो ये गाड़ी ऐसे भी चलती है। गॉड ऐसे लग रहा हवा में उड़ रहे। ये खिंचती बहुत तेज है ना। ऐसे तो एरोप्लेन में भी डर नहीं लगता जितना इसमें लग रहा है। 40 की स्पीड पे भी ऐसे लग रहा है कि बस हवा में उड़ रहे। एकदम से जब ये खिंचती है देखो। हाँ। तो डर लगता है मम्मी को। और कह रहा है इसकी मैक्सिमम स्पीड है 300। अगर तेरे को खाली जगह मिलती ना तू तो उड़ा देता। पर खाली जगह ही नहीं मिली। मैंने कहा दिल्ली में ये जगह ढूंढ रहा है कि गाड़ी में उड़ाऊं। इतना ट्रैफिक पर मजा आया, बहुत अच्छा लगा। अभी तो मैं तुम्हारे को जेन्युइन बता रहा हूँ मेरी स्पीड ही कितनी होगी 40, 50, 60, 70, 80 इस ऊपर नहीं गई क्योंकि वो सिर्फ शू हो रही थी और जैसे शू होती तो कोई गाड़ी सामने आ जाती। तो मैं पूरे रास्ते ढूंढता गया कहीं खाली सड़क मिले। एक बार मम्मी को डरा दूँ अच्छे से क्योंकि जैसी वो स्पीड लेती थी ना मम्मी मेरे हाथ पकड़ लेती और फिर दो मिनट में हाँ रिलैक्सेशन ठीक है। बट ठीक है, बहुत मजा आया मम्मी का फर्स्ट सुपर कार की ड्राइव लेके चला गया। ऐसा कोई भी बंदा नहीं था कि जो आता जाता हमें ना देखे। हर किसी ने कोई स्कूटर वाला है, कोई बस वाला है, कोई ये थोड़ी मॉडिफाइड भी है ना, इस पे इतना एकदम स्टिकर लग के पूरी स्पोर्ट्स कार बना रखी है। बट लवली भाई गौरव भैया लव यू, मुझे बता आप ब्लॉग देख रहे हो। और बाकी मम्मी अगर लेने की सोच है तो फिर फरमाइश डालेगा पापा के लिए। एक बार पापा को भी बनता है राइड करवाना। एक बार पापा तो मेरी जान ले लेंगे वो जैसी मैं।